तो दोस्तों क्या हाल चाल, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग एक बहुत ही बेहतरीन नेक बैंड की, जिसका नाम है बोट 255 नियो। आपको बॉक्स कुछ इस तरीके से कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा। फटाफट से बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मजेदार चीजें मिलती है। तो दोस्तों जैसे ही आप बॉक्स खोलते हो, बॉक्स के अंदर पहले तो आपको ये एक पाउच मिलता है, और इस पाउच के अंदर जो है आपको बहुत सारा पेपर वर्क मिलता है, जैसे कि यूजर मैनुअल आपको मिल जाता है, उसके साथ जो है वारंटी कार्ड वगैरह वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पे अगर पूरा का पूरा देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको आईपीएल दिखाई दे रहा होगा, और इस साइड में आपको पूरा बॉलीवुड दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ये एयर कप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पे आपको एक टाइप सी चार्जिंग केबल मिलते हैं, बहुत ही फास्टली जो है इस नेक बैंड को ये चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये है बोट 255 नियो। आपको ये कुछ इस तरीके से कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों डिजाइन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। एक तो आपको रेड मिलता है, उसके साथ ब्लू कलर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये आपको एक ब्लैक कलर तो मिल ही जाता है। अगर हम बात करें ओवरऑल डिजाइन के बारे में, तो जो नॉर्मल नेक बैंड आते हैं मार्केट में, उसमें जो है एक चीज होती है कि ये कॉलर जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कॉलर मिलता है, तो उसके वजह से आपको ये कभी कभी हेवी लग सकता है। और यहाँ पे अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आपको एक बतानी, ये जो आपको यहाँ पे रबर दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाया गया है, जैसे नॉर्मल रबर होता है उस टाइप नहीं है, एक सिलिकॉन कोटिंग यहाँ पे दी गई है, उसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड प्रीमियम लगता है। और ये जो है आप किसी भी तरीके से जो है इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे इशू आपको नहीं आएगा। एंड अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये आपको एक पतली सी वायर मिलती है, आपको सिर्फ ये अच्छे से यूज़ करनी होगी, नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसको मिस हैंडल करोगे तो ये शायद से टूट सकते हैं। और यहाँ पे कॉलर के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बोट का एक लोगो दिखाई देगा, एंड इस साइड में देखोगे तो आपको तीन छोटे छोटे बटन दिखाई देंगे, एक जो है वॉल्यूम अप का, वॉल्यूम डाउन का, एंड मिडल जो बटन है वहाँ पे वहाँ से जो है आप बीस्ट मोड वगैरह टर्न ऑन कर सकते हो, उसके साथ साथ जो है आप वॉइस असिस्टेंट वगैरह वो भी इनेबल कर सकते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्ले एंड पॉज यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिससे जो है आप इसको बहुत ही फास्टली चार्ज कर सकते हो। 10 मिनट अगर आप इसको चार्ज करोगे, 10 आवर्स का यहाँ पे आपको ये बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है, इतना ज़्यादा फास्ट है। सिर्फ आपको 10 मिनट यहाँ पे चार्ज करना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको ये प्ले टाइम प्रोवाइड कर सकता है। उसके साथ अगर आप ये ईयरबड्स यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है ईयर विंग्स आपको मिल जाते हैं, जिससे जो है कान में आसानी से आ जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कान में आ जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे तो ये कम्प्लीटली मेटल है, और इसमें आपको मैग्नेट्स मिलते हैं, तो आप इस तरीके से जो है इसको अटैच कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं इसके कंफर्ट के बारे में, तो ये जो है काफ़ी हल्का है, आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिक्कत वाली ये लगी कि ये थोड़े से बड़े है, नॉर्मल जो नेकबैंड आते हैं उसमें से उससे जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े है। तो कुछ कुछ लोगों को एक आदत होती है कि इसको लगा के जो है वो सोते सोते, मतलब कुछ भी मोबाइल के ऊपर देखते देखते वो सो जाते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़े से बड़े तो ये कान से काफ़ी ज़्यादा बाहर आ जाते हैं, तो अगर आप ऐसे सोते वक्त इसको यूज़ करोगे तो भाई थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको यहाँ पे हो सकता है। अभी हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। इसमें जो है आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्टली कनेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने जैसे पहले यहाँ पे बताया था कि जैसे ही आप इसको डिसकनेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन के साथ पेयर हो जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे इसको डिसकनेक्ट किया है और ये कनेक्ट है, मतलब 2 से 3 सेकंड में जो है ये आसानी से कनेक्ट हो जाता है, बहुत ही फास्टली पेयरिंग है, तो आप आसानी से कोई भी गाना वगैरह काफ़ी इंस्टेंटली यहाँ पे सुन सकते हो। और उसके साथ ये जो है आईपी रेटिंग के बारे में बात करें तो इसमें आपको IPX6 सर्टिफिकेशन मिलता है, जिससे कम्प्लीटली वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, तो जिम में वगैरह यूज़ कर सकते हो, स्वेट से वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हम बात करें इसके म्यूजिक क्वालिटी के बारे में, तो इसमें जो है आपको 12 mm के ड्राइवर्स आते हैं,
जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। लेकिन एक ही दिक्कत मुझे ये लगी कि इसके जो वोकल्स है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, मतलब आपको एक जो सेपरेशन होता है बेस एंड वोकल में वो इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, जैसे कि बीट्स आपको ऑन पॉइंट मिलेंगे, जो बेस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे सुनाई देगा, जो बेस वाले प्रॉपर सॉन्ग्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे लगेंगे, लेकिन वोकल जो है वो इतनी अच्छी तरीके से क्लियरली आपको नहीं सुनाई देगी। तो आप वोकल सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो तो इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बेस वगैरह भाई मस्त। एक बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा साउंड लीकेज ये करता है। अभी मैं जो है टर्न ऑन करता हूँ फुल वॉल्यूम के ऊपर, यहाँ पे माइक्रोफोन है, अगर आपको ये लीक होता है तो आपको सारा का सारा सब कुछ सुनाई देगा। दोस्तों कॉलिंग के बारे में बात करें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कॉल वगैरह कर सकते हो। इसमें आपको ANX टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे जो है काफी ज्यादा नॉइज रिडक्शन हो जाता है और उससे आपको एक क्लियर साउंड वहां पे मिल जाता है। हेलो, हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपरली? हाँ आ रही है, प्रॉपर आ रही है। प्रॉपर मतलब ऐसा कुछ साउंड वगैरह कुछ ऐसा हेजीनेस या फिर मतलब ऐसे अटक अटक के कुछ साउंड आ रहेगा? नहीं नहीं कोई लैग नहीं है, सब कुछ ठीक है। और आवाज मतलब ऐसे दबी सी है या फिर कुछ मतलब ज्यादा एक्सपोजर वगैरह ऐसा है, कुछ कुछ हो रहा है? नहीं कुछ ज्यादा दबी नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है ना? ओके ठीक है ठीक है ठीक। कभी कभी जो है थोड़ा सा दबा दबा सा साउंड आता है ऐसे उसने तो बोला है, तो नॉर्मली अगर आप यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, आपको काफी ज्यादा अच्छा लगे। दोस्तों इसमें जो है आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलता है जिसको बीस्ट मोड इन्होंने नाम दिया है। जैसे आप उसको टर्न ऑन करोगे ये काफी ज्यादा लेटेंसी को रिड्यूस कर देता है, उसकी वजह से जो है गेम काफी अच्छी तरीके से आप खेल पाओगे, इंस्टेंट आपको जो है वहां पे रिएक्शन दिखाई देगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो तो भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आप प्रो लेवल की गेमिंग करते हो तो भाई ये कोई प्रॉपर गेमिंग डिवाइस नहीं है, तो मैं आपको इतना ज़्यादा वहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन नॉर्मल गेम के गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। इसमें जो है आपको मैसिव बैटरी बैकअप मिलती है जो कि 25 आवर्स की है, और उसके साथ साथ जो इसकी चार्जिंग कैपेसिटी है मतलब 10 मिनट में अगर आप इसको चार्ज करो 10 आवर्स का बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड करके दे सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चार्ज कर लेता है और काफ़ी अच्छे तरीके से फास्टली ये चार्ज हो जाता है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट डील हो सकती है। इसकी प्राइस जो है 1000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, अभी फिलहाल तो ये 1100 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, डायरेक्टली आप वहाँ से इसको जो है परचेस वहाँ पे कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नेकबैंड है, अगर आपका बजट 1000 के आसपास है तो उस हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको काफ़ी अच्छा बेस मिलता है, काफी अच्छे बीट्स मिलते हैं, थोड़ा सा वोकल का थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकती है, तो ये आप डायरेक्टली अमेज़न से परचेस कर सकते हैं। सो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज हो डायरेक्टली आप वहां पे डाल दो, हम जो है आपको उसके आंसर्स दे देंगे। तो मिलते हैं अगली बार किसी ने वीडियो के साथ, किसी ने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।